अगली खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां कोरोना संक्रमित अथवा क्वारंटाइन विद्यार्थी बाद में दे सकेंगे हायर सेकेंडरी की विशेष परीक्षा। जी हां, सही सुना आपने, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी दृष्टिहीन मूकबांधित दिव्यांग वर्ष 2020 की शेष विषयों की परीक्षा 9 जून से 16 जून तक आयोजित की गई है। इस परीक्षा में शामिल न होने वाले कोरोना संक्रमित क्वारंटाइन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंडल द्वारा बाद में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिलों में ऐसे छात्र जो वायरस से संक्रमित, जिनकी रिपोर्ट वर्तमान में पॉजिटिव है अथवा जिनके उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है किंतु उनकी क्वारंटाइन अवधि पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे छात्र जो स्वयं क्वारंटाइन है अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन है तथा छात्र परिवार के साथ निवासरत हैं, छात्र भी क्वारंटाइन है और दृष्टिहीन मूक बाधित दिव्यांग छात्र स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से यदि शेष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो वह बाद में भी मंडल के द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। विशेष परीक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव एवं क्वारंटाइन विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए स्वयं अथवा परिवार के सदस्य का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अथवा क्वारंटाइन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज़ लाइव, हरदा, मध्य प्रदेश।